जब शुरू शुरू में कोविड आया था तो बच्चों की छुट्टियां हो गई, तो बच्चे बड़े खुश थे। मेरा खुद का बेटा IIT दिल्ली में पढ़ता है, तो वो उसकी पूरी क्लास बड़ी नाच रही थी कि अब और एक महीना छुट्टी हो गई, और एक महीना। अब बच्चे तंग आ चुके हैं, अब बहुत हो गया, ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत हो गई इनकी, उससे भी थक चुके हैं बच्चे। अब बच्चे कह रहे हैं अब स्कूल जाना है वापस, कॉलेज जाना है वापस। सब बच्चे वापस जाना चाहते हैं, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स चिंतित हैं, टीचर्स चिंतित हैं। जैसे मेरे को याद है, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट इसराइल में हुआ था। इसराइल में मई एंड तक आते आते कोरोना काफ़ी कम हो गया था, फर्स्ट वेव खत्म हो गई थी। इसराइल ने अपने स्कूल खोल दिए, और जैसे ही स्कूल खोले, एक स्कूल के अंदर एक हफ्ते में 150 केस आ गए कोरोना के, तो उन्होंने फिर सारे स्कूल बंद कर दिए। इसी तरह से अपने देश के अंदर भी जहां जहां स्कूल खोलने के एक्सपेरिमेंट्स किए गए, वो एक्सपेरिमेंट्स अच्छे नहीं थे। तो हालांकि इकोनॉमी तो बड़ी तेजी से, सब लोग चाहते हैं इकोनॉमी खुले, लेकिन जब स्कूलों की बात आती है, बहुत सारे पेरेंट्स हमें आके कहते हैं स्कूल खोलने में थोड़ा अभी जल्दबाजी मत करना जी, स्कूल खोल। बच्चों की जिंदगी सबको प्यारी है, कोई नहीं चाहता मेरे बच्चे को कोविड हो जाए, कोई नहीं चाहता खुदा ना खास्ता बच्चे के साथ, बच्चे की सेहत के साथ कुछ हो जाए। तो इसीलिए हालांकि अभी पार्टली स्कूल खोले हैं, अब वैक्सीन आ गया है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी बाकी स्कूल भी खुल जाएंगे। एक अभी जो डिमांड आई थी नर्सरी एडमिशन्स के लिए, हम तुरंत नर्सरी एडमिशन्स को खोलने का प्रोसेस चालू करेंगे। मैं समझता हूँ इस बार थोड़ा डिले हो गया कोविड की वजह से, लेकिन इसके बारे में जो भी प्रोसेस है वो तुरंत इसको शुरू करके और नर्सरी एडमिशन्स को खोलने का प्रोसेस चालू किया जाएगा। मैं एक्शन कमेटी का और सभी स्कूल्स का धन्यवाद करता हूँ कि कोविड में जिस तरह से आप लोगों ने हमारी सरकार की मदद की, दिल्ली के लोगों की मदद की, 1,34,00,000 रुपए CM रिलीफ फंड में आए, और वेंटिलेटर्स दिए आप लोगों ने, 12,000 PPE किट्स दिए आप लोगों ने, काफ़ी आप लोगों ने सहयोग किया, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।